हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी और हेल्दी से नाश्ते की रेसिपी बनाना बताऊंगी, जिसका नाम है गेहूं के आटे का वेज चिल्ला। तो आप देख रहे हैं, इसके लिए मैंने लिया गेहूं का आटा, जिसे मैं इसमें डाल लिया है। ये लिया मैंने प्याज कटा हुआ, इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया था। टमाटर इसे भी छोटा छोटा काट लिया। एक लिए हरी मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। ये लिया मैंने आलू, जिसे बॉईल कर लिया और उसे अच्छे से मैश कर लिया। इसमें कोई पीसीज ना हो, इसे अच्छे से आप मैश कर लें, वो भी इसमें कर लेंगे मिक्स। तो ये जो गेहूं के आटे का जो चीला है, वेज चीला, बहुत ही बड़े बनता है। आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर, अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी डालूंगी धनिया पत्ती, काली मिर्च पाउडर, नमक, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा डालूंगी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप ध्यान रखें कि हमने पहले इसमें हरी मिर्च भी डाली है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं पानी डालकर इसे मैं चीले का घोल तैयार कर लूंगी। पानी हम थोड़ा थोड़ा ही डालें, कहीं हमारा जो घोल है वो पतला ना हो जाए। और इसे मैं अच्छे से कर लूंगी मिक्स। तो ये गेहूं के आटे का जो चीला है, ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी बनता है। तो आप एक बार ये रेसिपी जरूर बना के देखिए कि कितनी बढ़िया बनती है। अब पानी डालते हुए इसका घोल तैयार कर लेंगे। घोल को हमने तैयार कर लिया है। अब इसे मैं ढककर 10-15 मिनट के लिए रख लूंगी और उसके बाद मैं इसके जो है वेज चिल्ले बनाने आपको बताऊंगी। 15 मिनट के करीब इस घोल को बना के रखे हुए हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। इधर मैंने गैस पे तवा रख दिया और उसे गर्म कर लिया है। थोड़ा सा उस पर लगा दिया घी। तो बहुत ही कम घी तेल में ये वेज चिल्ला बनकर तैयार हो जाता है। तो आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। दूसरा, इसमें ये ध्यान रखना कि इसमें आलू का जरूर यूज करें, क्योंकि जब हम गेहूं के आटे में बनाते हैं इसको, आलू डालने से उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता है। अब इसे फैला देंगे और इसे हम लो गैस पर ही सेकेंगे। दो से ढाई मिनट इसको हो गए, तो आप देख रहे हैं इसका ऊपर से कलर चेंज हो गया। इसके अब लगाएंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा घी, ये कुकिंग ऑयल है। और अब इसे हम पलट देंगे, क्योंकि इसमें हमने आलू को मिक्स किया तो ये इसको थोड़ा सिकने में ज्यादा टाइम लगता है। अब देखने कितना बढ़िया सा इसका कलर आया। अब इस दूसरी साइड से भी हम इसे 2.5 से 3 मिनट तक सेक लेंगे। यहाँ बिल्कुल मैंने इसे लो मीडियम गैस पे सेक रही हूँ। तो ये मेरा दूसरा वाला चीला भी बनकर तैयार है। इसे भी हम प्लेट में निकालेंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो अगर आपको, और आप इसे हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये चीला जो है बनकर तैयार है और ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अगर आपको मेरी यह गेहूं के आटे की वेज चीले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।